ये देखिए मकई है जो कि सिर्फ एक से सवा महीने में बीज से इतना बड़ा हो गया है और इसमें अब बाल आने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए बीच बीच में बाल, ये देखिए ऐसे हर पेड़ में लगभग एक एक दो दो बाल आ चुके हैं। भिंडी की छटाई करने के बाद से पुनः भिंडी अच्छे तरीके से निकलना शुरू हो गया फल। और ये देखिए सतपुतिया हमने ये देखिए चढ़ाया है और सतपुतिया से भी बहुत ज़्यादा फल आने शुरू हो गए हैं। सतपुतिया मुश्किल से मान के चलिए एक महीने में ही तैयार हो गया है, वो इतनी खाद इसको मिला है। और ये देखिए बोरा, ये देखिए बोरा, बोरा आना शुरू हो गया है। ये देखिए बोरे की खेती भी हमने की थी, चार पांच पेड़ हमने बोरा लगाया था। ठीक है, करेला हमारा पूरा बरसात की वजह से सड़ गया था पूरा, इसलिए हमने नया करेला का पौधा लगाया है। लगभग 10-12 दिनों के भीतर ये आ गया था और कोहरा फल देना बंद कर दिया था, सो हमने कोहरे को काट दिया। और ये देखिए कोहरे की वजह से बैंगन बढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि इनको धूप नहीं मिल रही थी, अब ये पूरी तरह से बढ़ रहे हैं। और ये देखिए हमारा लगाया हुआ ऑक्सीजन प्लांट नीम, ये लगभग 2 महीने में इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, सहजन की हार्वेस्टिंग हम लगभग कई बार कर चुके हैं। ये देखिए सतपुतिया, इसको रामतोरी बोला जाता है मध्य प्रदेश में और हमारे यहाँ सतपुतिया बोला जाता है इसको। ये देखिए एक ही पेड़ की इतनी फसल है, कल हमने एक सतपुतिया की एक हार्वेस्टिंग कल करी थी। ये देखिए ये करी पत्ता जो खाने में जायका ले आता है। और ये नींबू भी अब धीरे धीरे पकने लगा है। खेती का मज़ा तो अब बस अभी आ रहा है, मज़े में काम भी करो खेती भी करो और एंजॉय भी करो लाइफ।